फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे भटूरे फूले हैं ना हमारे, देखा फ्रेंड्स, किरण्स वेज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स देखो कितने लाजवाब हमारे भटूरे फूले फूले बने हैं ना, एंड छोले बने हुए हैं। ओके, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो चलिए रेसिपी देखें क्या। फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ भटूरे बनाने। ओके, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। एक कटोरी मैंने लिया है सूजी, एक कटोरी लिया है मैंने दही, एक कटोरी लिया है मैंने तेल रिफाइंड ऑयल है, 1 टीस्पून लिया है मैंने चीनी, 1 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा, 1 मिनट, और 2 बॉल मैंने लिया है मेजरमेंट के हिसाब से, 2 बॉल मैंने लिया है मैदा। ओके, भटूरे बनाएंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स से अब हम भटूरे बनाएंगे। सूजी को मैंने 1 कप ले लिया है, उसी के हिसाब से दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैदा और सूजी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मैदा और सूजी को मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा ऐसे जगह बना करके होल करके मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, इसी में दही डाल देंगे, चीनी भी मैंने डाल दिया है, नमक भी मैंने डाल दिया है, बेकिंग सोडा भी मैंने डाल दिया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, बेकिंग पाउडर अपना काम करते रहेगा। इसको मैं सान लेती हूँ अच्छी तरह से। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, अपने हिसाब से डालेंगे फ्रेंड्स। ओके, 1/2 कटोरी मैंने इसमें, फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से सान लेंगे। ओके, हाथ में मैंने तेल लगा लिया था, इसको चिकना मैंने हाथ को कर लिया है। ओके, अब इसको आटे को अच्छी तरह से चिकना करके छोड़ देंगे, ठंडी का मौसम है, इसको रात भर छोड़ देंगे, 4 से 5 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से आटे सेट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने भटूरे का आटे तैयार कर दिया था, रात भर मैंने छोड़ दिया था। देखो, देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्लोज करके दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, खमीर इसमें आ गए आटे में। ओके, अब इसको हटा देंगे अलग, अपने जो है ना डो को अच्छी तरह से डो को मिला लेंगे फ्रेंड्स। मैंने रात भर डो को रख दिया था फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आटे के डो हमारे तैयार है। रात भर मैंने इसको छोड़ दिया था 8 से 10 घंटे के लिए, क्योंकि उसे ज़्यादा ही मैंने रख छोड़ दिया था, क्योंकि गर्मी का मौसम है फ्रेंड्स। अगर इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे ना तो इसमें खमीर नहीं आएंगे और ये फूलेंगे नहीं, इसलिए देखो ऐसे ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके
तोड़ेंगे इसको, फिर इसको ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे करके तोड़ लेंगे फ्रेंड्स, एक ही साइज में तोड़ेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे ऐसे करके भैया एक साइज का ही तोड़ लेंगे। देखो फ्रेंड्स प्रोसेस देख लिया आपने कैसे तोड़ना है, फिर से बता देती हूँ। ऐसे करके तोड़ लेंगे, रोल कर लेंगे, हाथ में ऑयल लगा लेंगे फ्रेंड्स, हाथ में ऑयल लगा करके ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके रख देंगे, ऑयल में छोड़ते जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें मैंने तेल डाल दिया है, मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। ओके, जब तक हमारे तेल भी गर्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से इसको पेड़े को ऐसे चिकनाहट के साथ करेंगे। मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रोल कर लिया है पेड़े को। ओके, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको मैंने रोल कर लिया है। ओके, गोल गोल पेड़े बना लिया है मैंने, इसमें हो सके तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे फ्रेंड्स, उसमें डुबो डुबो देंगे फ्रेंड्स अच्छी तरह से। हो सके तो थोड़ा सा और इसमें ऑयल डाल देंगे फ्रेंड्स कि ताकि हमारे पेड़े जो है ना इसमें डूबे रहे, क्योंकि इसको इसी में ऐसे करना है। पलथन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बेल लेंगे फ्रेंड्स, इसे घुमा घुमा के। ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं। ओके, मैंने भटूरे का बेल लिया है। ओके, अब इसको मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उसे मैंने डाल दिया है भटूरे को। भटोरे हमारे फूल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे भटोरे तल गए हैं। कितने अच्छे तले हैं ना फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे हमारे भटोरे फूले फूले बने हैं ना। देखो फ्रेंड्स भटोरे फूले हुए हैं ना फ्रेंड्स, इसको ऐसे अच्छी तरह से ऐसे बेल लेंगे भटोरे को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं हाथ से हो तो चकला को घुमा घुमा करके बेल लेंगे अपने भटोरे। ओके, ऐसे बेल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, किरण्स वेज कुकिंग को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज फ्रेंड्स, सपोर्ट में सपोर्ट करोगे तभी तो अच्छे अच्छे डिश आएंगे आपके पास भेजें। देखो फ्रेंड्स तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, ऐसे भटूरे तेल हो चुके हैं गर्म, अब मैं इसमें भटूरे डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे 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 करके फुलाते रहेंगे फ्रेंड्स।
अब अपने कटोरे फूल के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, बन गए हैं। ग्रैंड्स वेज कुकिंग में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे हमारे भटोरे बने हैं। फ्रेंड्स देखो कितने अच्छे फूले फूले भटोरे हमारे बने हैं, और हमारे छोले भी अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। छोले भटोरे के हमारी रेसिपी, अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारे वीडियो, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ग्रैंड्स वेज कुकिंग को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करवाइएगा फ्रेंड्स, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप ग्रैंड्स वेज कुकिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।